हम अभी पतरातू डैम में मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, आप देखिए यही वो पतरातू डैम है और यहीं पर पूजा भारती 11 जनवरी को आई थी। उसके बाद उसका सब 12 जनवरी को यहाँ से पुलिस ने बरामद किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना चहल पहल रहता है, लोगों की यहाँ पर भीड़ आए दिनों यहाँ पर लगी रहती है। ऐसे में छुट्टी के दिनों में भीड़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पूजा भारती की हत्या की गुत्थी अभी पूरे पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। ऐसे में दो दिन पहले सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि इसी क्षेत्र से एक मेडिकल कॉलेज के छात्र को भी पुलिस उठाई थी और उसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन कुछ अहम सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस फिलहाल उसे छोड़ दी है, ये हमारे सूत्रों का कहना है। हम आपको और भी पतरातू डैम से जुड़े हुए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उस दिन मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था क्या जी? मैम सर, इधर हम लोग आए थे, डैम डेली आते हैं, लैट्रिन फैटरिन करने कुछ जो भी है आते हैं, तो देखें कि डैम में लाश छपली हुई है, हम लोग देखें। उसके बाद फिर यहाँ का ग्रामीण लोग सब आए थे, उनके बाद फिर आके फिर बताएं प्रशासन को, खबर किए कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, तो प्रशासन आए, फिर वहाँ से उठाएं, फिर गाड़ी में लेकर थाना गए, पता तो थाना। क्या कुछ अलग देखने को कभी कुछ मिलता होगा, क्या कुछ यहाँ अलग रखता है? नहीं सर, अलग तो नहीं रहता है, यहाँ से सब नाव चलता है, शाम में 7 बजे तक पूरा सन्नाटा हो जाता है यहाँ। क्या कुछ देखे थे उस दिन, क्या कुछ? उस दिन कुछ नहीं, हम लोग आए थे साफ करने, सुबह सुबह साफ करने आते हैं हम लोग यहाँ पर डैम पर, साफ करने आते हैं, वही देखे कि वहाँ पर छपला हुआ मतलब कुछ चीज़ है, तो देखे सामने जाके, तो वो मतलब एक आदमी का मतलब शव था मतलब, और उसको देख के हम लोग फिर तुरंत मतलब थोड़ा घबरा गए। उसके बाद हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, उसके बाद प्रशासन आया, फिर अपना काम किया। और क्या कुछ देखा बॉडी में, क्या कुछ था, कहीं चोट भी था क्या कुछ? बॉडी में नहीं, बॉडी में दोनों हाथ ऐसे करके बंधा हुआ था, अब पैर दोनों बंधा हुआ था, बाकी अब पता नहीं चल रहा था महिला है या पुरुष है उस समय। देखने से क्या लग रहा था कि कोई उसको मार के फेंक दिया है कि कोई ऐसे ही फेंक दिया? नहीं, मार के क्योंकि हाथ दोनों बंधा हुआ था, पैर भी दोनों बंधा हुआ था, तो उससे तो यही लगता है। इतना दोनों पानी का सामने था, पानी के सामने। क्या और भी लोग हैं बता रहे हैं, चश्मदीद है वहाँ उस दिन मौजूद थे लोग? हम अपने खुद से देखे थे सर, हम सुबह ही देखे थे। क्या वो देखे थे सर? हम फर्स्ट टाइम देखे तो उसका पेट दिख रहा था, हम लोग लगा नहीं कि लेडीज है, हम लोग अगर कोई जेंट्स है, जब हम लोग सब भीड़ वगैरह होते रहा, सब उसको निकाला, प्रशासन आया निकाला बाहर में देखा, तभी हम लोग देखे, फिर औरत थी, वो लड़की थी मतलब। उसके बाद क्या कुछ पुलिस किया, कुछ की? पुलिस आया, बोला कि इसको पकड़ो, बाकी बात और कुछ देखा इधर उधर, सामान वामान उसको गाड़ी में बैठा के ले गया उधर थाने के लिए ले गया, उसके बाद छानबीन उधर ही से स्टार्ट होने लगा। यहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है ज़्यादा मुस्तैद? अभी तो एक भी पुलिस दिख नहीं रही है, ऐसे में पुलिस यहाँ मौजूद रहती है? रहती है सर, कभी समय टाइम से आती है, सबका टाइम रहता है उन लोग आने के लिए। इससे पहले अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले आया था, बोल के गया सबको कि इतना शाम के टाइम में सबको फिर निकालने का भेज दो, सब भीड़ भाड़ हटाएगा अभी सब, एक बार बोल के गया अभी कल, अभी तो छानबीन भी रहा था, जैसे भी सबूत लिए, मोबाइल उसका मिल नहीं रहा लड़की का, मोबाइल ढूंढने के लिए छानबीन हो रहा था, डेली यहाँ छानबीन होता है पर डे।